हेलो फ्रेंड, मैं उपेंद्र यादव। आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर विलेजर टीम में। तो फ्रेंड, मैं आज बात करूंगा कोरोना वायरस के बारे में। तो फ्रेंड, आप लोग को जैसे मालूम है कि कोरोना वायरस सबसे पहले शुरुआत हुआ है चाइना से। तो फ्रेंड, कोरोना वायरस दिन पर दिन दिन पर दिन भयंकर रूप ले रहा है, रूप धारण कर रहा है, दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, फैलते जा रहा है सभी कंट्री में। तो फ्रेंड, मैं आज कोरोना वायरस की बात करूंगा। ये अभी कई कंट्रियों में फैल चुका है ये कोरोना वायरस। कई कंट्रियों का पब्लिक इससे जूझ रहा है। तो फ्रेंड, आपको इसलिए जानकारी दे रहा हूँ कि आप भी सतर्क हो सकते हैं इसके बारे में। ये बहुत डेंजरस वायरस है। तो फ्रेंड, आप इसके कई कंट्री इसके चपेटे में आ चुका है। तो मैं आपको कंट्री का नाम बताने जा रहा हूँ। इसके अंदर सबसे पहले तो चाइना से शुरुआत हुआ है। चाइना, जापान, दक्षिण थाईलैंड, कोरिया, सिंगापुर, ताइवान, वियतनाम, अमेरिका, इंडिया एंड नेपाल, इसमें से ये 10 कंट्री है। 10 कंट्री का ऑलरेडी ऑलरेडी आया गया इसमें है है, 10 कंट्री में। लगभग। तो फ्रेंड, आप लोग भी इससे सतर्क रहिए, आप लोग भी ध्यान दीजिए इस पे। कोरोना वायरस ये बहुत डेंजरस है हेल्थ के लिए। तो फ्रेंड, आपको कैसे मालूम होएगा, कैसे मालूम चलेगा कि कोरोना वायरस का लक्षण कैसा होता है, कैसे मालूम चलेगा कि कोरोना वायरस का शक है इस पे आदमी लोग को कैसे मालूम चलेगा? क्योंकि एक गांव घर में, छोटे मोटे शहर, किधर से भी हो सकता है। आपको मालूम है देश विदेश से आदमी आता रहता है, जाता है पब्लिक, तो उसके जरिए फैलता है कंट्री में, देश में, दूसरे कंट्री में, शहर में, गांव में। तो फ्रेंड, उसका जरिए से आपको इसके लक्षण से मालूम हो जाएगा क्या क्या लक्षण होता है इसमें, इसके लक्षण आने के बाद। तो फ्रेंड, मैं उसका लक्षण क्या बात बताऊँगा कि कौन सा लक्षण होगा। तो आपको मालूम फ्रेंड, इसका लक्षण से आपको मालूम चलेगा। इसमें सबसे पहले आपको सिर दर्द होएगा, बहुत ज़्यादा सिर दर्द होएगा आपको। सिर दर्द होने के बाद नाक बहेगा, बहुत ज़्यादा नाक बहेगा, खांसी होएगा आपको, गले में खराच आएगा, ऐसे लगेगा गले में खराच आया हुआ है, छींक आएगा बहुत आपको। छींक आने के बाद अस्थमा, जिसको ऑलरेडी पहले से अस्थमा होते हैं, उसको अस्थमा और बिगड़ने के बाद ज़्यादा हो जाएगा। तो उससे आपको मालूम हो जाएगा कि ये उसका लगेगा आपको कोरोना वायरस का। निमोनिया। इसमें फेफड़ों में सूजन आ जाएगा, ज़्यादा खांसी करोगे, कफ रहेगा आपके अंदर, खांसी ले सांस लेना मुश्किल हो जाएगा आपको, गले में खराश हो जाएगा आपको, फेफड़े दुखने लगेगा। तो फ्रेंड, इस टाइप का कुछ वो होएगा शरीर के अंदर आपको अंदर, तो आप समझिए कि कोरोना वायरस का कुछ लक्षण है। तो इमिजिएटली आप उसको जाके डॉक्टर से मिलिए, देखिए, बताइए उसको, चेकअप कराइए क्या है कैसा है, तो उसे आपको जानकारी मिलेगा इसके बारे में। तो फ्रेंड, ये था उसका लक्षण। तो आप इससे आपको मालूम हो जाएगा कि कोरोना वायरस का लक्षण है। तो फ्रेंड, इसमें क्या क्या नहीं करना चाहिए आपको, उससे क्या क्या नहीं खाना चाहिए, किस किस से दूर रहना चाहिए, उसके बारे में मैं भी आपको बता देता हूँ। फ्रेंड, इसमें सबसे पहले सी फूड नहीं खाना चाहिए। जो कुछ चिकन मटन ऐसा कुछ टाइप का फूड है तो वो नहीं खाना चाहिए। वो इस टाइप का फूड बिल्कुल अभी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अभी ये बहुत जगह फैल चुका है ऑलरेडी, तो किधर से भी ये आ जाता है। और ये सी फूड पर ज़्यादा वो होता है, इस पर प्रभावित होता है सी फूड पे। तो वो चीज़ नहीं, वो ऐसा फूड नहीं खाना चाहिए आपको। और मीट, मीट में कभी भी मीट और खाते वो हो, में आप किधर भी मीट शॉप है तो उधर मीट शॉप पे नहीं जाइए, अभी मीट शॉप से दूर रहिए, मीट शॉप पे, मीट मार्केट में नहीं जाइए, क्योंकि वो चीज़ अभी मीट से, चिकन से ज़्यादा प्रभावित होता है, उसमें ज़्यादा होने का चांस होता है उधर, तो इसीलिए वो चीज़ से दूरी रहिए आपको। वैसा चीज़ नहीं खाना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो फ्रेंड, ऐसा ये कोरोना वायरस है। आप किधर भी मार्केट गए हो, किधर फ्रेंड के साथ हो, तो आप इतना ट्रस्ट मत कीजिए, इतना वो क्लोज हो के बात मत कीजिए, हाथ मत मिलाइए किसी से, क्योंकि आपको मालूम है आप फ्रेंड हो, एवरी डे मालूम होता है, मिलते हो, मुश्किल नहीं। लेकिन अभी आपको सतर्क रखना जरूरी है, क्योंकि आपको मालूम नहीं उसे है। उसे हाई हेलो करो दूर से, हाथ मत मिलाओ, उसका मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि छींक आने के बाद कोई हाथ फेस कवर करता है, माउथ कवर करता है, तो उससे उसका हाथ में सड़ता है। हाथ सड़ने के बाद आपके हाथ में जाएगा, आपके हाथ के बाद आपके बॉडी में इंटर हो जाएगा। तो ऐसे ये सरुआ रोग बोलता है उसको, जैसे सड़ता रहता है, एक दूसरे में जाता रहता है, ट्रांसफ़र होता रहता है, तो इस टाइप का ये रोग है। तो फ्रेंड, ये रोग से आप दूरी रहिए, किधर भी पब्लिक प्लेस में जाते हो तो मास्क कवर लगाइए, फैमिली में किसी का एक आदमी कैसा है तो उसको मास्क कवर लगा के दीजिए, जैसे उसका उसका ऐसा कोई बीमारी जो दूसरे को ट्रांसफ़र ना होए। आप कोई घर का भी मेम्बर है तो उसको मास्क दे दीजिए आप, क्योंकि मास्क दोगे तो वो आदमी, एक आदमी है जिसको वो लगा के रखेगा, क्योंकि आप 6 आदमी है घर में, 8 आदमी घर में, घर का मेम्बर, तो 8 आदमी के मास्क नहीं दे सकते, क्योंकि
इसलिए फ्रेंड जो घर अरे में वो कुछ जिसका ऐसा ऐसा है तो तो वो आदमी का मास्क दे दो, जैसे वो मास्क यूज करेगा तो दूसरे में कुछ ऐसा टाइप का रोग नहीं फैलना चाहिए, नहीं फैलेगा, नहीं ट्रांसफर होएगा। तो फ्रेंड इसका ऐसा जरिया, ये जरिया है, इसी से आप इससे दूर रहोगे, इसके अवॉइड करोगे, आपके इसके अंदर आपके बॉडी के अंदर एंट्री नहीं हो सकता है। तो पब्लिक प्लेस में किधर भी जाते हो तो पूरा मास्क कवर लगा के और मास्क लगा के जाओ, घूमो। किधर मार्केट है तो मार्केट में तो अवश्य आपको लगाना पब्लिक चाहिए, उधर की क्योंकि आपके बहुत होने का चांस होता है। तो वैसे टाइप पे, वैसे जगह पे आप मास्क कवर करके जाइए फेस, और जो भी घर में अगर किसी का भी है तो उसको फेस मास्क यूज करने के लिए बोलिए, उससे आपका सब सेफ रहोगे, सबका हेल्थ सेफ रहेगा। तो फ्रेंड ये है कोरोना वायरस, इसमें ऑलरेडी 8,000 से अरे आदमी इससे ऊपर ऊपर जूझ रहा है और 250 आदमी ऑलरेडी मर चुका है, पूरा मिला के 10 कंट्री में फैल गया। तो फ्रेंड ये दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, कंट्रोल होने का कोई अभी सोल्यूशन नहीं है। तो फ्रेंड देखिए इसका अंत क्या है, अभी कोई मालूम नहीं है। तो फ्रेंड आप जितने सतर्क रहोगे इससे उतने अच्छा आपके हेल्थ के लिए रहेगा। ये आप केयरलेस मत कीजिए कि मेरे को नहीं है, मेरे को नहीं हो सकता ऐसा। सो ये ऐसा सोच के, ऐसा केयरलेस करके आप नहीं रहो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। अगर हो गया तो आपको बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। तो फ्रेंड आपका केयर करना आपका बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड ये था, फ्रेंड आज वीडियो वीडियो अच्छी कॉल। लगे हो तो वीडियो में लाइक कर देना, कमेंट कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और फ्रेंड मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड चलो तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नए ऐसे